शनि जयंती जो है वो जेठ माह के कृष्ण पक्ष के 6 जून को पड़ने वाला है, जो कि इस दिन अमावस्या है, दिन गुरुवार है, साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी है। इसके साथ साथ आज का जो दिन है, इस दिन वट सावित्री भी पड़ रहा है, शिववास, अग्निवास, पूर्व यात्रा, इसके साथ साथ हम इस दिन अपना शनि जयंती, शनि देव को शनि जयंती के मौके पर ऐसे कर सकते हैं आप प्रसन्न और हर मनोकामना आपका पूर्ण होगा। दरअसल जानकारी देते हुए पूर्णिया के पंडित मनोत्पल झा कहते हैं कि शनि जयंती पर शनि देव को प्रसन्न करने के बहुत आसान उपाय हैं, साथ ही साथ न्याय के देवता शनि देव बहुत जल्दी लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी खबर विस्तार से सुनते हैं। शनि देव को कैसे प्रसन्न करेंगे भक्त, क्या कुछ तरीका है बाबा? तो इस साल जो शनि जयंती है वो है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अंग्रेजी तारीख 6 जून 2024 दिन गुरुवार को शनि जयंती पर रहा। और इस दिन एक और पर्व है जिसे कहते हैं वट सावित्री का पर्व। बहुत ही संयोग की बात है कि वट सावित्री पर्व और शनि जयंती एक ही दिन पर रहा। शनि जयंती है इसका मतलब यह नहीं कि यह शनिवार के दिन ही हो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शनि का जो है वो जन्म हुआ, नहीं, यह किसी भी दिन आ सकता है वर्ष के। इस बार जो है यह शनि जयंती गुरुवार को पड़ रही है, तो जयंती का अर्थ होता है भगवान का जन्म। तो न्याय के देवता जो शनि भगवान हैं, इनका जन्म इसी दिन हुआ था जो 6 जून 2024 को पड़ रहा है। भगवान शनि जो है यह सूर्य के पुत्र है कहता है, और शनि यम के अग्रज है। तो शनि भगवान का महत्व बहुत ही अतुलनीय है इस संसार के लिए, क्योंकि यह न्याय के देवता तो हैं। न्याय कौन करता है? जो अन्याय का कार्य करता है उसके पक्ष में न्याय के लिए व्यवस्था की गई है कि आपने कैसा अन्याय किया, आपने क्या कार्य किया, सही कार्य किया कि गलत कार्य किया, उसके लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। तो शनि महाराज जो हैं यह न्यायाधीश का काम करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शनि का दो पक्ष आता है, एक शनि की साढ़े साती और शनि का ढैया। शनि की साढ़े साती, जब शनि द्वादश भाव में आते हैं चंद्र कुंडली से, तो शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है, और शनि जब गोचर से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में आते हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाता है। तो शनि जयंती जो इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं वो शनि भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस दिन हम भगवान शनि के लिए शनि की पूजा कर सकते हैं, शनि की आराधना कर सकते हैं, या नहीं कि आज शनिवार नहीं है तो शनि की पूजा नहीं की जा सकती। जन्मदिन किसी भी दिन मनाया जा सकता है, इसके लिए कोई दिन बॉन्डिंग नहीं है कि मेरा बेटा सोमवार को ही जन्म लिया तो सोमवार जब पड़ेगा उसी दिन हम इनका बर्थडे मनाएं, जी नहीं। तो बर्थडे कैसे मनाया जाए, भगवान शनि का जन्म कैसे जन्मोत्सव कैसे मनाया जाए, तो उनके लिए हर्षोल्लास करके, भगवान शनि की पूजा अर्चना करके, तो शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर जा करके भगवान शनि का पूजा अर्चना करें, दिया जला सकते हैं, या नहीं कहा शनिवार नहीं तो दिया नहीं जलाएं, इसे कोई महत्व नहीं रखता। आप किसी भी दिन शनि मंदिर में जाकर के दिया जला सकते हैं, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो। तो शनि भगवान को दिया जलाने जा रहे हैं, ना कि दिन को दिया जलाने जा रहे हैं। भगवान की पूजा कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो इस दिन जन्मोत्सव के दिन हम सभी भगवान शनि की आराधना के लिए मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के उनकी पूजा अर्चना करें, साथ में सरसों तेल में एक दिया जला दें वहाँ। अगर आप शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में बैठ के शनि चालीसा पढ़ लें,
इससे हमारा कार्य में जो व्यवधान है वह व्यवधान भी दूर हो जाएगा और भगवान शनि का जन्मदिन भी हम खुशी से मना लें। शनिदेव को भोग किन चीज़ों का लगाना चाहिए? देखिए, शनिदेव को भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम कहा गया है कि आप किसी भी वस्त्र का दान करें। वस्त्र का दान जो है वो भी काले कलर का, काला लड्डू, काला मिठाई, काला प्रसाद तो नहीं होता है, तो काला वस्त्र होता है, उनके भोग के लिए वस्त्र का दान करें। प्रसाद तो आप किसी भी चीज का चढ़ा सकते हैं, उनके लिए दिया जलाना सबसे महत्वपूर्ण है, सरसों का तेल। शनि सिग्नापुर का नाम आपने अवश्य सुना होगा, वहाँ पर शनि भगवान को सरसों तेल अर्पित किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है, वही उनको भोग लगाया जाता है। तो उनके लिए प्रसाद नहीं कि लड्डू पेड़ा टिकड़ी लेके चले गए, जी नहीं, सरसों तेल लेके जाइए, उनमें एक दिया जलाइए, साथ साथ काला वस्त्र जो है उनको आप चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, उनके लिए यही सबसे उत्तम प्रसाद रहेगा। इन उपायों को करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, इन्हीं उपायों को आप शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपके कुंडली में भी अगर शनि विपरीत जो लगाए हुए हैं या प्रदान किए हुए हैं उसमें भी कमी आ सकता है। शनि का सबसे उत्तम एक उपाय और है, अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन सरसों तेल में दिया जलाते हैं बजरंगबली मंदिर में, तो इससे भी आपके जीवन पर जो शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है यह आप कम कर सकते हैं। वैसे तो आप, हम लोग शनि जयंती मनाने जा रहे हैं, शनि जयंती के दिन आप शनि की पूजा कीजिए, भगवान मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना करके उनका उनको प्रसन्न कीजिए और बर्थडे मनाइए, और भगवान शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे उन पर भगवान शनि का नज़र रहेगा। आप अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन का सुरक्षा भगवान शनि करेंगे, भवन वाहन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनमें भी वो सहायता प्रदान करेंगे, अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनका भी मार्ग खोलेंगे, जमीन लेना चाहते हैं तो उनका भी मार्ग खोलेंगे, क्योंकि ये सभी का मालिक भगवान शनि ही है। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि अगर सुख भाव का मालिक है तो हर सुख सुविधा प्रदान करेंगे शनि महाराज, तो शनि की आराधना ही आपको जीवन में हर सुख लाभ दे सकता है। इसलिए शनि जयंती के दिन शनि मंदिर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए और भगवान शनि को प्रसन्न कीजिए। पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी का हर महादेव।